जी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस जो है, जिसमें MEXC भी आ जाता है, STX भी आ जाता है, इन सारे के सारे एक्सचेंजेस को धीरे धीरे प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से निकाला जा रहा है, यानी कि इनकी एक्सेस स्लोली ख़त्म करी जा रही है इंडिया में, क्योंकि ये FIU की जो रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये अपडेट आपको मैंने दिन में ही दे दी थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसी के साथ साथ कुछ और अच्छी अपडेट्स भी आई हैं। एक तो पहली बात तो ये कि बाइनेंस जो है वो ट्राई कर रहा है कि अभी कंप्लाई फिर से करेगा, यानी कि जो सबसे बड़ा हमें डर लग रहा था कि बाइनेंस शायद बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा, उसके बारे में अभी इन्होंने अपडेट दिया जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि जो इन्होंने बताया है वो तो कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में जो होने वाला है वो ये है कि हो सकते कि बाइनेंस के ऊपर अभी TDS लगने वाला है, यानी कि आप वहाँ पर भी अगर ट्रेड करोगे तो TDS लगाया जाएगा, जिस कारण मैं आपको यहाँ पर किसी न किसी तरीके से सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी बिल्कुल सही समय, हम बिल्कुल सही एक्सचेंज चूज कर सकते हैं, अपने जो एसेट्स हैं उनको सही एक्सचेंज के ऊपर लेकर जाते हैं तो वो बहुत सेफ रहेंगे। अगर हम इन्हीं के ऊपर रखते हैं, जैसे कि आज अगर हम देखें हमारे पास इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो काफ़ी सारी हैं, या फिर हम वजीरेक्स को ही चूज़ कर लेते हैं तो इसके ऊपर भी पड़े रहेंगे, तो क्या है कि आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, 1% TDS देना ही पड़ेगा। अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हो तो इसके ऊपर पड़े रहेंगे, आने वाले समय में जैसे ये कंप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी TDS देना पड़ेगा। तो इसका भी मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी अपडेट दी थी कि अभी हम एक NFT फ्री दे रहे हैं, और इवन अप टू $10 का एयर ड्रॉप भी दे रहे हैं, जो अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि क्योंकि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छे प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाते हैं, तभी प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को, या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन एक्सचेंजेस को, कि बाहर के एक्सचेंजेस के ऊपर इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों है। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बाहर के एक्सचेंजेस के ऊपर है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट को परसुएड करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एक्शन ले। लेकिन हमें भी पता है और उन्हें भी पता है कि 1% TDS की वजह से ही हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज को इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखते। अभी आपने देखा होगा कि कल के दिन भी BTC $47,000 तक पहुंचा था, इथेरियम आप देख सकते हो अभी भी $2,400 से ऊपर चल रहा है, यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यही कारण है कि अभी जब भी ऐसा मार्केट अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ज़्यादा ग्रीड में चला जाता है, तभी कोई ना कोई ऐसा एक्शन आता है इंडिया में और वो हम सभी के ऊपर बुरा इम्पैक्ट डालता है। यही कारण था कि यहाँ पे एक एक्शन लिया गया, कंप्लेंट करेगी कि ये जो एक्सचेंजेस हैं बाहर की, ये कंप्लाई नहीं कर रही हैं FIU को, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रही हैं। अब बाइनेंस के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ा, क्योंकि हमारी जो मेजर वॉल्यूम है वो बाइनेंस के ऊपर है, OKX के ऊपर है, Coinbase के ऊपर है, या फिर STX एंड MEXC इन एक्सचेंजेस के ऊपर है, जिसकी वजह से इन्होंने बाइनेंस को कल से क्या कि धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर दिया। लगभग 4-5 एक्सचेंजेस को निकाला गया, पहले प्ले स्टोर से, फिर उसके बाद ऐप स्टोर से, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि अगर ऐसे शुरुआत करी जाती है तो डेफिनेटली इसके बाद का स्टेप यही है कि ये उसको बंद ही कर देंगे, यानी कि URL भी एक्सेस नहीं होगा और इसी के साथ साथ ऐप भी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम फिर भी ऐप को VPN से एक्सेस करते हैं तो उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि यहाँ पे इंडिया पूरा प्रॉपर बैन लगा सकता है, जो कि कनाडा में भी है बाइनेंस के ऊपर। अगर उस तरीके का बैन लग जाता है तो हम डिपॉजिट एंड विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बाइनेंस का एक ट्विटर हैंडल है, बाइनेंस साउथ एशिया, जिसको बाइनेंस देसी के नाम से भी हम यहाँ पे यूज़र नेम देख सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो iOS ऐप स्टोर के ऊपर बाइनेंस को रिमूव किया गया है, जो चेंजेस लाई गई हैं, ये इस चीज़ को बहुत ही जल्द ठीक करने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने बोला कि बाइनेंस हमेशा की तरह लोकल रेगुलेशंस को फॉलो करता है, कंप्लाई करता है, तो वर्ल्ड वाइड रेगुलेटर्स के साथ इन्होंने पहले भी काम किया और अभी फिर से ये काम करने वाले। और इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोली है कि एग्जिस्टिंग ऐप यूज़र्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर आप पहले बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, बाइनेंस के ऊपर आपके एसेट्स पड़े हैं, तो वो बाइनेंस वैसा के वैसे ही चलता रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाइनेंस सिर्फ डाउनलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाइनेंस जो आपके पास पहले है उसके ऊपर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि योर फंड्स आर सेफ हो। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि इन्होंने ये क्यों कहा। पहली बात ये कि फंड सेफ इनको बताने की ज़रूरत नहीं थी, फंड सेफ इन्होंने इसलिए बताया कि अगर आप फंड्स यहाँ से निकाल रहे हो, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा फंड्स जो हैं सुबह से लेकर शाम तक निकलते रहे बाइनेंस, या बाइनेंस से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम हुआ है, बाइनेंस की जो एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी एसेट से टोटल वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जिसकी वजह से चाहते हैं कि जो फंड्स हैं किसी न किसी तरीके से यहीं पर रहें। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि बाइनेंस ऐसे चलता रहेगा।
अब ये कंप्लाई करेंगे लोकल रेगुलेशन के साथ तो फिर क्या प्रॉब्लम आने वाली, प्रॉब्लम ये आएगी कि 1% TDS इसके ऊपर लग जाएगा, यानी कि हम ट्रेड खुल के नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फ्यूचर ट्रेड हो, चाहे एयर ड्रॉप हो, चाहे स्पॉट ट्रेड हो, चाहे गिववे हो, चाहे लॉन्च पूल हो, लॉन्च पैड हो, किसी भी तरह का अर्न करते हैं, APR लेते हैं, फार्मिंग करते हैं, स्टेकिंग करते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर ये TDS टैक्स सब कुछ लगाने वाले हैं। यही कारण है मैं आपको यहाँ पे एक और सलूशन बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा और बता दूँ एक चीज़ कि बिटकॉइन ETF अप्रूवल की जो फेक न्यूज़ आई थी उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ भी ये आई है कि CBOE ने अप्रूव किया है मल्टीपल स्पॉट बिटकॉइन ETFs फॉर ट्रेडिंग। ये हालांकि डायरेक्ट हम ये नहीं बोल सकते कि इनको अप्रूव कर दिया गया ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जब CBOE अप्रूव कर देता है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसके बाद कुछ ग्रीन लाइट्स पेंडिंग रह जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के SEC के द्वारा, और वो अगर मिल जाती है तो देन डेफिनेटली इन ETFs को ट्रेड किया जाएगा। और इसका मतलब क्या है, BTC 60-70,000 डॉलर तक बहुत ही आसानी से जाने वाला है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हर कोई चाहता है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बाहर की एक्सचेंजेस के ऊपर ना जाते हुए इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ही आए, लेकिन हमें पता है कि अगर पैसा कमाना है तो हम TDS भी नहीं देंगे और ज़्यादा तो हम फीस भी नहीं दे सकते, और इसी के साथ साथ हम टैक्स भी इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही गलत है, ये सरासर गलत है। अब इसका एक बड़ा सलूशन आपको ये भी कुछ दिनों से बता ही रहा हूँ कि बिटमार्ट एक ऐसा एक्सचेंज है जिसका रैंक जो है वो 30 के आसपास है। अगर आप स्पॉट का देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से 30 रैंक इसका आपको दिखेगा, 30-29 इसके आसपास चलता रहता है, 1.6 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो यहाँ पे 5.5 रेटिंग है। लेकिन अगर आप हमारी इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर जाओगे तो उनकी रेटिंग तो बहुत ही बुरी है, यहाँ पे मैं बात भी नहीं करना चाहता, जो कि 2-3 स्टार के आसपास रहती है, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज अच्छी नहीं दी हैं। अगर हम हमारी इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, अगर वो सर्विसेज अच्छी देना शुरू कर देते हैं तो देन डेफिनेटली हम भी इन एक्सचेंजेस को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो बिटमार्ट आपको मैं इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे अभी काम कर रहा है, एंड कुछ कैंपेन्स पहले भी आई थी, मैंने आपको कई सारे फ्री में एयर ड्रॉप्स भी दिए, हमारे जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं बिटमार्ट के ऊपर जिन्होंने साइन अप किया, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वहाँ पे अभी जो हमारी कैंपेन चल रही है, यहाँ पे मैं $10 का एयर ड्रॉप देने वाला हूँ और एक V2E NFT देने वाला हूँ। अब आपको अगर इसका मतलब नहीं पता तो ये भी बता देता हूँ, वोट टू अर्न, यानी कि अगर आपके पास ये NFT होगा तो इससे आपको फ्री में अर्निंग्स मिलने वाली हैं, यानी कि इस NFT को ओन करके आपको काफ़ी सारे फ्री टोकन्स के एयर ड्रॉप्स बाद में मिलते रहेंगे। अभी NFT भी फ्री में मिलने वाला है और इसी के साथ साथ आपको फ्री टोकन भी मिलने वाले हैं अगर आपके पास ये NFT रहता है तो। तो यहाँ पे स्टेप्स का फॉलो करने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने उसके ऊपर साइन अप करने, और अगर आप $20 का ट्रेड करते हैं तो आपको ये V2E NFT मिल जाएगा। $50 तक का ट्रेड रहता है तो आपको यहाँ पे $5 का यहाँ पे एक एयर ड्रॉप भी मिल जाता है। अगर आप $100 का करते तो आपको फ्री NFT प्लस $10 का एयर ड्रॉप, NFT जिससे आपको अर्निंग मिलने वाली है, और $10 का एयर ड्रॉप भी मिल जाएगा डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही नहीं बता रहा कि आपको ये भी चीज़ें मैं फ्री में दिला रहा हूँ तो आपको यही मिल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमारे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं हमने कहीं और रखे हैं तो उसको सही एक्सचेंज के ऊपर लाना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिटमार्ट एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि लिस्ट में नहीं आया, रेड लिस्ट में नहीं है, स्क्रूटनी में नहीं है, FIU की जो अपडेट्स आई थी उसमें उसकी जो स्क्रूटनी वाली लिस्ट थी उसमें भी नहीं था, जिसकी वजह से बिटमार्ट इंडिया को मैं अभी सेफ मानता हूँ। तो आप इसके ऊपर अपने एसेट्स को ले जा सकते हैं, ट्रेडिंग करते तो आपको मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप इसके ऊपर साइनअप करते हैं तो UID अपनी नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने साइनअप किया हुआ है ट्रेड करते हैं मेरे साथ तो उनको मैंने एक अलग से ग्रुप में रखा हुआ है और उनको मैं एयरड्रॉप्स खुद ही देता रहता हूँ, क्योंकि जैसे पहले इंस्क्रिप्शन कॉइन आए थे, इंस्क्रिप्शन कॉइन्स का हमने दिया, बॉन्ग कॉइन का हमने एयर ड्रॉप दिया, काफ़ी सारे ऐसे एयर ड्रॉप्स दिए हैं। तो हर एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है, यानी कि कुछ फ्री में पैसा भी कमाना है, कम फीस भी देनी है, रेगुलेशन से भी बचना है, यानी कि रेगुलेशंस हैं लेकिन इसी के साथ साथ कोई ऐसा एक्सचेंज हम यूज़ ना करें जो सडनली बैन हो जाए, और 1% TDS जो बहुत ही ज़्यादा है ये पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सही एक्सचेंज चूज़ करना ही पड़ेगा। तो बिटमार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। एंड ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी चल रही है, $1.7 trillion तक मार्केट का पहुँच चुका है, जो कि 1 trillion तक भी पहुँचना बहुत मुश्किल लग रहा था। एंड BTC की जो डोमिनेंस है बढ़ती जा रही है, BTC का प्राइस भी आप देख सकते हैं कितना जा रहा है, लगभग $45,000-46,000 के आसपास जा रहा है। ऑल्टकॉइन्स चाहे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन BTC ऊपर जाएगा तभी ऑल्टकॉइन्स इसको फॉलो करते हुए ऊपर आएंगे। लेकिन आपको कोई भी डाउट है किसी भी एक्सचेंज को लेकर नीचे कमेंट करो, ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम के ऊपर मैं सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ सभी के, जो कि हमारा एक ग्रुप है वॉल्ट डिस्कस के नाम से, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। धन्यवाद।